भारतीय वायु सेना इस साल 8 अक्टूबर को अपना 89वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इससे पहले गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायु सेना ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। बुधवार को हुई फुल ड्रेस रिहर्सल में वायु सेना की ताकत एक बार फिर से देखने को मिली। इस बार वायु सेना दिवस समारोह की थीम आत्मनिर्भर एवं सक्षम है। कार्यक्रम की शुरुआत पैरा जंपर टीम आकाश गंगा के साथ हुई। टीम के सदस्य 8000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर पैराशूट से एयरफोर्स स्टेशन के परेड ग्राउंड पर उतरे। इस बार एयर डिस्प्ले में सुखोई, मिग 29, राफेल, जगुआर, मिराज और मिग 21 बाइसन सहित कुल 75 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे। इसके अलावा एलसीए तेजस, राफेल और सुखोई हिंडन एयरबेस के आसमान में उड़ान भरते दिखे। एयर शो के दौरान राफेल ने अपनी रफ्तार की तेजी दिखाई। इसके बाद जैसे ही फुल ड्रेस रिहर्सल समाप्त हुई तो दर्शकों की भीड़ राफेल की तरफ भागी। दर्शकों के बीच राफेल के साथ सेल्फी खिंचवाने की होड़ रही। बता दें कि 9 सूर्यकिरण विमानों ने जब परेड ग्राउंड के ऊपर डायमंड संरचना बनाई तो सब आश्चर्यचकित रह गए। तेजस की कलाबाजियां देखकर दर्शकों का सीना गर्व से फूट गया। अपाची और चीनू की शक्ति देखकर लोग काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को लखीमपुर खीरी हिंसा पर यूपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने साथ ही ये भी जानकारी दी कि कांग्रेस का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में इस टीम में मंगलवार देर रात ही दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वो पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं और वे 2 मुख्यमंत्रियों के साथ लखीमपुर खीरी जाने का प्रयास करेंगे। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कल उत्तर प्रदेश गए थे लेकिन वो लखीमपुर नहीं गए। प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। आज 2 चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 144 5 लोगों को रोकता है, 3 लोग सेक्शन 144 में जा सकते हैं तो हमने उनको चिट्ठी लिख दी है। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के सवाल पर यह भी कहा कि हमें मार दीजिए गाड़ दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब देखना हमारी सालों पुरानी ट्रेनिंग है। देखिए चाहे प्रियंका हो चाहे मैं हूँ चाहे हमारे फैमिली का कोई भी हो, मैन हैंडलिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे से आप कुछ भी कर लीजिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसानों की बात कर रहे हैं, हमें बंद कर दीजिए, मैन हैंडल कर दीजिए, मार दीजिए, गाड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ये ट्रेनिंग है, सालों पुरानी ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग हमें फैमिली हमारे परिवार देता है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मंगलवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति न मिलने पर राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में अब डिक्टेटरशिप हो रही है, एक राज्य का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकता, ये कैसा कानून है। डिक्टेटरशिप देखिए यहाँ पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है, सीधी सी बात है। राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते, कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144, ये कहते मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा, कोई जवाब नहीं। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा में अब तक 9 लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आई है जिसमें किसान भी शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लखीमपुर आ रहे थे और इसके खिलाफ किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान हिंसा हुई और इसके लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे और किसानों के प्रदर्शन में शामिल उपद्रवी तत्वों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। हालांकि अभी पूरे मामले में जांच चल रही है। हिंसा के बाद इलाके में धारा 144 लगा दी गई है और इंटरनेट पर पाबंदी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल के हमले के बाद बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल जी ने जो भ्रम फैलाने का काम किया उसको खत्म करने का काम हमारा है। पात्रा ने कहा कि जब जांच चल रही है तो वो इस तरह के बयान नहीं दें जिससे जांच पर असर हो। एक दुखद घटना पे आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि जो दुखद घटनाएं होती है उसमें कभी भी राजनीतिक रोटी किसी को सेकना नहीं चाहिए, मगर आज हमें विवश होना पड़ा है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, क्योंकि कुछ मुहूर्त पहले हमने विपक्ष के राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना और जो भ्रमजाल फैलाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, जो वो सदैव करते हैं, उस भ्रमजाल को तोड़ना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया, इररेस्पॉन्सिबिलिटी। इररेस्पॉन्सिबिलिटी हैज बिकम द सेकेंड नेम ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। गैर जिम्मेदाराना रवैया, अधैर्यपूर्ण रवैया, अशांति को भंग करना और भ्रम फैलाना, यही राहुल गांधी जी का मुख्य ध्येय और मुख्य उद्देश्य रह गया है। समित पात्रा ने कहा कि राहुल ने पोस्टमार्टम पर भी सवाल उठाए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी एक्सपर्ट हैं? वे कौन होते हैं इस पर सवाल उठाने वाले, भ्रम फैलाने वाले, जब किसी को कोई संदेह नहीं है। आज हमने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना और देखा भी कि राहुल गांधी जी ने पोस्टमार्टम के ऊपर सवाल उठा दिए। आज मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, इज मिस्टर राहुल गांधी या मेडिकल एक्सपर्ट? वो फॉरेंसिक मेडिकल एक्सपर्ट है क्या राहुल गांधी? Did he conduct the postmortem? तो postmortem पे अगर किसी ने सवाल नहीं उठाए, किसी ने इस पर उंगली नहीं उठाई, तो who is Mr. Rahul Gandhi to question the expert body's opinion? गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी पर वार करते हुए पात्रा ने कड़े शब्दों में कहा कि राहुल और गांधी परिवार का किसानों, व्यापारियों और देश के अन्य लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपनी पार्टी के बारे में भी नहीं सोचते। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जहां तक राहुल गांधी और गांधी परिवार का सवाल है, इस परिवार का किसानों से, व्यापारियों से, हिंदुस्तान के अन्य वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। गांधी परिवार का किसी से लेना देना है तो मैं तो कहूंगा कांग्रेस से भी लेना देना नहीं है। गांधी परिवार का केवल और केवल अपने परिवार से ही लेना देना है। अपनी परिवार की साख बची रहे, परिवार की नैया ना डूबे। अभी हमने देखा कांग्रेस की नैया की क्या परिस्थिति है, माफ करिएगा, कांग्रेस की नहीं, गांधी परिवार की नैया की क्या परिस्थिति है। बता दें कि राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को जीप के नीचे कुचलकर हत्या कर दी जा रही है और जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे। पीएम मोदी ने अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और प्रदेश नगर विकास विभाग द्वारा न्यू अर्बन इंडिया थीम पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वाले 75,000 लोगों को वर्चुअली घर की चाबी सौंपी।
पीएम ने स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत मिशन में 4,737 करोड़ रुपए की लागत की कुल 75 परियोजनाओं का डिजिटली लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि 75,000 परिवार जिनको उनके घरों की चाबी मिली है, वे अब अपने नए घर में सभी त्योहार मनाएंगे। आज यूपी के शहरों के विकास से जुड़े 75 प्रोजेक्ट्स विकास के, उसका भी शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आज ही यूपी के 75 जिलों में 75,000 लाभार्थियों को उनके अपने पक्के घर की चाबियां भी मिली है। ये सभी साथी इस वर्ष दशहरा, दिवाली, छठ, गुरुपर्व, ईद ए मिलाद, आने वाले अनेकों उत्सव अपने नए घर में ही मनाएंगे। पीएम ने यूपी वालों को होमवर्क भी दिया। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम ने कहा, इस बार दिवाली पर अयोध्या में कहते हैं कि 7.5 लाख दिए का कार्यक्रम है। मैं यूपी को कहता हूं कि रोशनी के लिए स्पर्धा में मैदान में आए, देखें कि अयोध्या में ज्यादा दिए जलते हैं या फिर 9 लाख लाभार्थी मिलकर 18 लाख दिए जला सकते हैं। इससे भगवान राम को खुशी होगी। लेकिन मैं जब उत्तर प्रदेश आया हूँ तो कुछ होमवर्क भी देने का मन करता है, दे दूं, लेकिन आपको करना पड़ेगा। करेंगे पक्का? देखिए, मैंने अखबार में पढ़ा है और अभी योगी जी भी शायद मैं पूछ रहा था, इस बार दीपावली में अयोध्या में कहते हैं 7.5 लाख दिए हैं, 7.5 लाख दिए का कार्यक्रम होगा। मैं उत्तर प्रदेश को कहता हूं कि रोशनी के लिए स्पर्धा में मैदान में आए। देखे, अयोध्या ज्यादा दिए जलाता है कि ये जो 9 लाख घर दिए गए हैं, वे 9 लाख घर 18 लाख दिए जला करके दिखाएं। हो सकता है क्या? जिन परिवारों को ये 9 लाख परिवार, गरीब परिवारों को घर मिले पिछले 7 साल में, वे दो दो दिया अपने घर के बाहर जलाएं, अयोध्या में 7.5 लाख दिए जलेंगे। मेरे गरीब परिवारों के घर में 18 लाख दिए जलेंगे, भगवान राम जी को खुशी होगी। इसी के साथ पीएम ने ये भी कहा कि पीएम आवास योजना के तहत ज्यादातर घरों का मालिकाना हक महिलाओं को मिला। मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि देश में पीएम आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं, उनमें 80% से ज्यादा घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का है या फिर वो ज्वाइंट ओनर है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने मजाकिया अंदाज में आज ये भी कहा कि खर्चा ज्यादा होने पर पीएम पर अब आरोप लग सकते हैं कि उन्होंने घर दे दिया इसलिए गरीब का खर्चा बढ़ गया। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।